साथियों, ये है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एम कॉम प्रीवियस का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 2019 का पेपर। इस पेपर को देख करके आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर किस तरह का आने वाला है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट। साथियों, मैं आपको एक बहुत ही कारगर बात बता दूँ, आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, आपको आंसर वही लिखना है। क्वेश्चन 2 की बात करें, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हाईलाइट द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मानव संसाधन प्रबंधन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन प्रबंधक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये गाइस बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से 5 आपको करने होंगे और ये 10 क्वेश्चन ओवरऑल 10 यूनिट में ही डिवाइडेड होंगे पूरे आपके नोट्स में, तो आप 5 या 6 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव संसाधन आयोजना से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख पगों को समझाइए। 4th नंबर पर क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरियर एंड सक्सेशन प्लानिंग, एक्सप्लेन द कैरियर प्लानिंग प्रोसेस इन द डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इनिशियल जॉब सोशलाइजेशन फॉर ए न्यू कमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। 7th नंबर पे जो क्वेश्चन है आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करें आप। तो व्हाट आर द नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, डिस्कस द वेरियस पॉपुलर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। 8th नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है, डिस्क्राइब द 360 डिग्री अप्रेजल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको 360 मूल्यांकन को समझाना है। आप अगर हमसे कहेंगे तो हम एक दो वीडियो के द्वारा आपको ये सब चीज़ें समझाने का प्रयास भी कर सकते हैं, बट आपके कमेंट्स हमें चाहिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेवियंस, ब्रीफली आउटलाइन द फीचर ऑफ ग्रेवियंस प्रोसीजर एंड द स्टेप इन्वॉल्व इन इट। परिवेदना के कारण व प्रभावों की चर्चा कीजिए, परिवेदना प्रक्रिया के लक्षण तथा इसमें निहित कदमों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। 10th नंबर पर जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द वॉलेंट्री मशीनरीज अवेलेबल फॉर सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है HRM के लिए। आप 3-4 क्वेश्चन तो इसी के ही तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। औद्योगिक विवाद के निपटारे हेतु उपलब्ध स्वैच्छिक मशीनरियां क्या हैं, और ये आपको इंडस्ट्रियल एक्ट में भी मिल जाएगा, BCOM में भी आपने पढ़ा होगा। साथियों, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी फटाफट करना सुनिश्चित करें, और आपको यदि कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को दर्ज कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी समस्या से निजात दिला सके। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के साथ जुड़ पाएँ और कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।